कल लास्ट क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सीएलओ माइनस सीएलओ टू माइनस एंड सीएलओ फोर माइनस। आई थिंक यही क्वेश्चन था ना बच्चों। यस सर। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई मुझे डिफाइन करेगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड बोथ रिड्यूसेस एंड ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इन अ कंपाउंड रिड्यूसेस एज वेल एज ऑक्सीडाइजेस। और अगर एक ही टाइप का एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट ना तो हाईएस्ट हो और ना ही लोवेस्ट हो। हाँ लोवेस्ट। ठीक है। तो अब इन चारों में बताना था, तो इसमें हम लोग सेंट्रल एटम क्लोरीन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पे सीएल की स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी सीएल की? प्लस वन। यहाँ पर कितनी आएगी? प्लस थ्री। प्लस थ्री, प्लस फाइव और प्लस सेवन। अगर प्लस सेवन। किसी बच्चे को ये ऑक्सीजन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है, तो मैं निकाल दूंगा। सीएल की रेंज क्या होती है बच्चों? सीएल 17 ग्रुप का होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है माइनस वन प्लस सेवन। हाँ, तो इसकी लोवेस्ट जो होती है वो माइनस वन और इसकी हाईएस्ट जो होती है वो प्लस सेवन होती है। ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड में आप देख सकते हो कि पहले वाले कंपाउंड में जो एन आयन है उसमें सीएल की ना तो हाईएस्ट है ना ही लोवेस्ट है। यहाँ पर भी ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, यहाँ भी नहीं है ना तो हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट है। जब हाईएस्ट होता है तो केवल क्या हो, कौन सा एजेंट होता है वो? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इन सभी कंपाउंड में क्या है कि ये इससे लोअर भी जा सकता है इससे हायर भी जा सकता है किसी से रिएक्शन करने के बाद। तो जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो ये दोनों काम शो कर सकता है, ये भी ये भी। तो ये तीनों क्या शो करेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है जिस बच्चे ने पूछा था? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि मोल कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मोल कंसेप्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बैलेंसिंग करने के लिए दो मेथड हमें अडॉप्ट करने होते हैं। नंबर वन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और नंबर टू है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और रिएक्शन को जनरली किसी न किसी मीडियम में बैलेंस करना होता है तो दो मीडियम यहाँ पे यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए, इधर एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। इसमें भी एसिडिक और बेसिक। क्या बोल रहा हूँ बच्चों में कि रिएक्शन को बैलेंस करने के हमें दो मेथड अडॉप्ट करने हैं अपने कोर्स में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
और दोनों ही मेथड या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में बैलेंस होते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब कि इक्वेशन में एच प्लस दिखेगा। आपको पता है एसिड क्या होते हैं जो एच प्लस आयन देते हैं, बेस क्या होते हैं जो क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन। हाँ ठीक है, तो देखो एक बात और अपने मन में रख लो आप लोग कि ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट आर द रूल्स टू बैलेंस अ रिएक्शन। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली रिएक्शन को बैलेंस करना है, एक दो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद आपको सारे रूल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस करना सिखाऊंगा। देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन वन, MnO4- Fe2+ और Mn2+ Fe3+। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इन एसिडिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है, बेसिक मीडियम का क्या मतलब है। सर ऑक्सीजन कहाँ गया? बेटा वो जब बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा ना अपने आप। ठीक है, ठीक। हाँ अभी बैलेंस, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं ना, यही तो मतलब है बैलेंसिंग का, कि अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ गया, किधर गया, कैसे आएगा। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट एडॉप्ट करना है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते थे वैसे ही आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो मेन एलिमेंट है जिसकी हमको याद नहीं रहती है। तो मुझे बताओ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम कर चुके हैं। अगर ये याद नहीं रहता तब भी आप क्या करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो बताओ यहाँ पर Mn की स्टेट +7 आएगी क्या? यस सर। यस सर। और यहाँ पर Fe की, यहाँ पर Fe की क्या स्टेट है? +2। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ये +2 है। यहाँ पर Mn की स्टेट क्या है राइट हैंड साइड में? +2। और यहाँ पर Fe की क्या? +3। देखो मैंने ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं निकाली, हाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट नहीं निकाली क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। मेरी बात को रिपीट करो कोई, मैंने क्या बोला है अभी? जो एलिमेंट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज होता है सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं, इस बात को कौन रिपीट करेगा? रिपीट करना जरा कोई। सर जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है उसे पहले बैलेंस करते हैं। हाँ ये बातें सारी आपको याद भी हो जाएंगी। देखो Mn +7 से कितना गया है? +2। कोई बताएगा मुझे कि ये रिड्यूस हुआ है या ऑक्सीडाइज हुआ है? रिड्यूस। बिल्कुल सही, रिडक्शन है। और कोई बता सकता है कितने फैक्टर से रिड्यूस हुआ है, कितने फैक्टर से? कितने चेंज आ रहा? 5 का, ये 5 फैक्टर से कम हो गया बेचारा, तो ये 5 फैक्टर रिड्यूस हो रहा है। Fe +2 से +3 गया बच्चों, इसकी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। कितने फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, कितने ज्यादा नंबर से? तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इतना इतना आपको पहले करना है बैलेंसिंग करने के लिए कि पहले जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन फैक्टर निकाल लो
और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन फैक्टर निकाल लो, कितने फैक्टर से वो बढ़ रहा है और कितने फैक्टर से कोई रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। सबसे पहली लाइन आपको यही करनी है और ये रूल आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों, एक इक्वेशन है 2x और एक इक्वेशन है 3x, बताना बिल्कुल। मैं आपको कहूं कि इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करो, क्या करोगे, क्या मेथड अपनाओगे? 6 बना दे, 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। हाँ, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, जो रिडक्शन फैक्टर है वो ऑक्सीडेशन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है और जो ऑक्सीडेशन फैक्टर है वो रिडक्शन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है, तभी तो बैलेंस होगा। इंक्रीजिंग वाले में डिक्रीजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो और डिक्रीज वाले में इंक्रीजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, मैं वापस से लिख रहा हूँ, Mn4 माइनस Fe2 प्लस Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। मैंने क्या बोला बच्चों, जो ऑक्सीडेशन फैक्टर है उसको रिडक्शन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो और जो रिडक्शन फैक्टर है उसको ऑक्सीडेशन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। इस बात को कौन रिपीट करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ये हमारी रिडक्शन इक्वेशन थी और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज आता है क्या, नहीं आता ना, लेकिन फिर भी हमने पहली बार मल्टीप्लाई कर दिया बस आपको समझाने के लिए। और मुझे बताइए रिडक्शन में कितने फैक्टर से चेंज आ रहा था, 5 का, उसको ऑक्सीडेशन वाले मल्टीप्लाई कर दिया, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता वैसे ही। बताओ इतना सबको समझ आया, कितने लोग समझ आया जल्दी बताओ मुझे फटाफट। यस सर, यस सर, ठीक है। देखो ये रूल ज्यादा बेस्ट है बच्चों, जो आपने 10th में पढ़ा था वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उससे बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन अब आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इस रूल के बाद। तो देखो हमने दो बातें अभी की हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो रिड्यूस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर रिडक्शन फैक्टर ऑक्सीडेशन फैक्टर निकाल लो और फिर रिडक्शन फैक्टर को ऑक्सीडेशन इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो और ऑक्सीडेशन फैक्टर को रिडक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने, 1 की कोई जरूरत नहीं तो मैंने 1 को हटा दिया यहाँ से। अब देखो फिर ये चेक करो कि हमारे जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहे थे सब्सटेंस वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। बताओ लेफ्ट में कितने Mn है, 1 और राइट में कितने Mn है, 1 बैलेंस है। लेफ्ट में कितने Fe है, 5 राइट में कितने हैं, 5 जो रूल लगाने के बाद जो हमारे सब्सटेंस रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे थे वो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद बैलेंस करते हैं अदर सब्सटेंस को, यानी कि ऑक्सीजन को। अब देखो एसिडिक मीडियम में क्या रूल है, बस एक लाइन और बची है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। बताओ मुझे लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है टोटल रिएक्टेंट साइड में, और राइट हैंड साइड में कितने हैं, 0। तो रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम हो उस साइड उतने ही वाटर जोड़ दो जब आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो। तो इस साइड 4 ऑक्सीजन है, इस साइड 0 है, तो जिस साइड ऑक्सीजन डिफिशिएंट है उधर उतने ही वाटर जोड़ दो जितने ऑक्सीजन कम है। तो कितने वाटर जोड़ो राइट हैंड साइड में, 4H2। ये एसिडिक मीडियम बैलेंस करने का रूल है, तो प्लस 4H2O, ठीक है, प्लस 4H2O हो गया। अब बताओ राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 4
और लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन थे? फोर। लेकिन अब किसका डिफरेंस आ गया? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन बताओ राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? और लेफ्ट में? जीरो। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, 5Fe2 प्लस है यहाँ पे प्लस। आप क्या करो, जितने हाइड्रोजन कम हो उतने हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस आयन छोड़ दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को एच प्लस आयन से बैलेंस करते हैं, इसलिए नाम था एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में पहले जितने ऑक्सीजन कम हो जिस साइड उतने वाटर जोड़ दो, और फिर जो हाइड्रोजन का डिफरेंस है वो हाइड्रोजन को एच प्लस ऐड करके बैलेंस कर दो। देखो सब कुछ बैलेंस है, Mn1 Fe5 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? ये फर्स्ट बैलेंसिंग की क्वेश्चन थी बाई कंसेप्ट। यस सर। भाई सभी बच्चों को बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। और अभी तो हमने हाँ, कोई बात नहीं बेटा, देखो दोबारा नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन लूंगा मैं भी, लेकिन पहली बार में 50% तो आ गया होगा ना कम से कम। यस सर। हाँ, देखो पहले एक काम करते हैं, पहले देखो कि पहले किसको बैलेंस करना होता है, जल्दी बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहले किसको बैलेंस करते हैं? एजेंट को। दूसरा किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। दूसरा किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय एडिंग वाटर। फिर लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय एडिंग एच पॉजिटिव आयन। बस खत्म, रूल खत्म हो गए बच्चों, रूल खत्म। देखो कोई एक बच्चा सारे रूल रिपीट करेगा, अभी मैं बोलता हूँ। फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, देन वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, एंड देन वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग एच प्लस आयन। रिपीट करो कोई स्टूडेंट, रिपीट करना कोई। सर पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, उसके बाद H2O जोड़ दो, जितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में जितने उतने राइट हैंड साइड में जोड़ दो, और फिर हाइड्रोजन को कर दो ऐड। हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे? बाय एडिंग हाइड्रोजन बैलेंस बाय एडिंग H+ आयन। हाँ, तो देखो ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय एडिंग वाटर, जिस साइड ऑक्सीजन कम हो, चाहे राइट में कम हो या लेफ्ट में कम हो, एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय एडिंग H+ आयन। तो अब मैं इस क्वेश्चन को, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, अब मैं सिमिलर क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूँ, जिस बच्चे को कन्फ्यूजन होगा वो दूसरे क्वेश्चन से रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना? सर चार्ज बैलेंस नहीं करेंगे? चार्ज बैलेंस है बेटा ऑलरेडी, ऑक्सीडेशन नंबर में यही बेस्ट बात होती है कि चार्ज अपने आप बैलेंस होता है। चलो चार्ज चेक करते हैं, बताओ, चलो बताओ Mn4 में कितना चार्ज है बच्चों, बताओ? -1। हाँ, और Fe में कितना चार्ज दिख रहा है आपको? +2। एक Fe पे +2 है तो 5 Fe में कितने हो जाएंगे? +10। और H पे कितना चार्ज है? +1। तो 8 H प्लस में कितने चार्ज जाएंगे? +8। बताओ लेफ्ट में टोटल चार्ज, लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना हुआ? 17 प्लस 17 का चार्ज हुआ। राइट हैंड साइड आओ, राइट हैंड साइड आओ, Mn पे कितना चार्ज है? +2। और एक Fe पे कितना चार्ज है? +3। तो 5 पे कितना हो जाएगा? +15। कितना आ गया आंसर? 17। बताओ चार्ज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है दोनों साइड? हाँ, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यही बेस्ट होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में यही बेस्ट होता है कि चार्ज अपने आप बैलेंस होता है अगर आप रूल सही से लगाते हो तो, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं।
क्वेश्चन टू है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस एफ ई टू प्लस सी आर थ्री प्लस और एफ ई थ्री प्लस, इसको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एसिडिक मीडियम में इसे बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करते हैं। तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी? माइनस सिक्स। क्रोमियम की प्लस सिक्स आएगी। यहां पर एफई की कितनी है? प्लस टू। प्लस टू। और यहाँ पे क्रोमियम की प्लस थ्री और यहाँ पे एफ ई की प्लस थ्री। तो देखो बच्चों क्रोमियम में क्या चेंज आ रहा है? रिडक्शन हो रहा है, प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है रिडक्शन। लेकिन बताओ कितने फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है? तीन फैक्टर से। लेकिन मैंने कहा था मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? दो। तो एक एटम के रिस्पेक्ट में तीन का चेंज, तो दो के रिस्पेक्ट में सिक्स का चेंज। तो यहाँ पे सिक्स फैक्टर्स रिडक्शन हो रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे देख लो, एक क्रोमियम की प्लस सिक्स तो दो क्रोमियम की प्लस बारह, एक क्रोमियम की तीन तो दो की छः, तो चेंज कितने आ गया? सिक्स का। यहाँ पे सिक्स फैक्टर से रिडक्शन हो रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम हो उतने फैक्टर से चेंज देखना होता है। अगर यहाँ पे चार होते तो एक के रिस्पेक्ट में तीन का चेंज, चार के रिस्पेक्ट में बारह का चेंज आ जाता। एफ ई में कितने चेंज आ रहा है? एफ ई में प्लस वन। प्लस वन। इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। देखो यहाँ पे डिक्रीज है, नीचे साइन लगा रखा मैंने, इंक्रीज ऊपर लगा रखा है। इंक्रीजिंग फैक्टर को रिडक्शन में मल्टीप्लाई और डिक्रीजिंग फैक्टर को ऑक्सीडेशन इक्वेशन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे? सी आर टू ओ सेवन टू माइनस, पहले मैंने एज इट इज लिख लिया, एफ ई टू प्लस सी आर थ्री प्लस और एफ ई थ्री प्लस। बताओ मुझे क्रोमियम वाली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? सिक्स। क्रोमियम की इक्वेशन को वन से, हाँ ये रिडक्शन इक्वेशन है ना, इसमें ऑक्सीडेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा वन से, हाँ इधर भी वन कर दिया। और एफ आयरन वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बस रूल खत्म हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। देखो चेक करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस नहीं हो जाते। बताओ लेफ्ट में कितने क्रोमियम है? लेफ्ट में कितने क्रोमियम है? दो। और राइट में वन। तो वन को हटा के टू कर दो अपने आप। लेफ्ट में दो क्रोमियम थे, रूल, लेकिन रूल लगाने के बाद करना है, पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ये करना है। लेफ्ट में कितने एफ ई हैं? और राइट में सिक्स। तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस हो गया। ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस हो गए। आप किसको बैलेंस करेंगे बताओ जल्दी से मुझे? इसके बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सीजन का। किसका नंबर आता है बच्चों? ऑक्सीजन का। बताइए लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? सेवन। और राइट में? जीरो। तो राइट में कितने एच टू ऐड करूं? सेवन एच टू। जितने ऑक्सीजन कम है उतने एच टू ऐड करूं।
अब बताओ मुझे राइट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क इशू होगा। लेफ्ट में ऑक्सीजन सेवन है, राइट में जीरो है, तो राइट में सेवन एच टू ऐड कर दिया। और बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब बताइए हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करूं? 14 H plus ऐड कर दो, very good। तो Cr2O7 2 minus 6 Fe2 plus plus 14 H plus ऐड कर दो इधर, 2 Cr3 plus 6 Fe3 plus and 7 H2। अब जरा चेक करना सारे एटम बैलेंसिंग है, बैलेंस है, चेक करो फटाफट, हो गई बैलेंसिंग? बैलेंस है। ओके, अब कितने, अभी किसी को डाउट है? अभी समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जो एक दो बच्चे पहले बोल रहे थे, जो एक दो बच्चों को पहले क्वेश्चन डाउट था, अब क्लियर हो गया उनको भी? यस सर। ओके, एक बच्चे ने पूछा है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव आयंस कहाँ से आया, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे 7 × 2 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन को 14 एच प्लस के फॉर्म में ऐड कर देना है, क्योंकि रिएक्शन को हमें एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है, इस वजह से वी आर बैलेंसिंग द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, देन हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय एडिंग एच प्लस आयन। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग पहले थोड़ी देर ट्राई करोगे तब मैं इसको बताऊंगा। Cr2O7 2 माइनस SO3 2 नेगेटिव और Cr3 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव, जरा इसको सभी लोग अपने कॉपी में ट्राई करना कैसे करेंगे बैलेंस इसको, बिल्कुल रूल लगा कर करना, आराम से हो जाएगी। क्या आप सभी लोग ट्राई कर रहे हो इसका आंसर? ओके, सल्फर में क्या चेंज आ रहा है बच्चों? सल्फर में हो गया सर प्लस टू, हाँ टू का चेंज आएगा, ठीक है। सल्फर में टू का चेंज आ रहा, टू फैक्टर्स इंक्रीज है। तो बताओ फिर क्रोमियम में प्लस 6 से प्लस 3 जा रहा है, तो 3 का चेंज, लेकिन इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 6 का चेंज। तो अब मुझे बताओ कि
क्रोमियम वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? दो से ना? यस सर। तो देखो टू सी आर टू ओ सेवन टू माइनस और इधर टू सी आर थ्री प्लस, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया। और सल्फर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं? सिक्स से। तो प्लस सिक्स एस ओ थ्री टू नेगेटिव एंड सिक्स एस ओ फोर टू नेगेटिव। अब एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर हमें इक्वेशन में लोवेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। क्या ये पूरी इक्वेशन फर्दर दो से डिवाइड हो जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि हमको मिनिमम लोवेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। देखो, जिसे अगर एक में टू से मल्टीप्लाई करना है, एक में सिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या जिसमें टू से मल्टी ओके तो बच्चों, मैंने बोला था कि अगर हमें एक इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई करना हो और एक में सिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, क्या तो मैं क्या दो को वन से और सिक्स को थ्री से रिप्लेस कर सकता हूँ? मेरी वॉइस आ रही सभी को? हाँ, तो अगर टू और सिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो हम वन और थ्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे देख लो कि हमने टू और सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन पूरी इक्वेशन फर्दर दो से डिवाइड हो रही है, तो क्या मैं दो से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को? यस सर। हाँ, यस सर। ओके, तो इसको दो से डिवाइड कर दे तो ये वन बचा, ये थ्री हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। चलो अब देखो, क्या हमारे मेन एलिमेंट बैलेंस हुए कि नहीं हुए? हुए, जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमियम कितने है लेफ्ट में? दो। और राइट में? टू। राइट में कितने क्रोमियम है? वन। तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं। लेफ्ट में कितने सल्फर है? तीन। और राइट में? थ्री। बैलेंस है। चलो, और इसके बाद ऑक्सीजन आते हैं। बताओ बच्चों, लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 16। हाँ, सेवन यहाँ पर, सेवन यहाँ पर और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन, सिक्सटीन ऑक्सीजन है। और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 12। 12। बताओ राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन कम है? 4। तो कितने वाटर ऐड करूँ राइट हैंड साइड में? कितने वाटर ऐड करूँ? फोर। तो राइट हैंड साइड में मैंने फोर एच टू ऐड कर दिया बिकॉज चार ऑक्सीजन कम थे। अब जरा हाइड्रोजन देखो, लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है बच्चों? जीरो। और राइट में? एट। तो बताओ एच प्लस आयन किस साइड जोड़ूं, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। कितने? कितने? देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, चेक कर लो। क्या आप लोगों को ये मेथड समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
जिसको जिसको समझ में आ गया है हैंड रेज करना जरा। सर इस पे एक बार चार्ज बताना। बेटा चार्ज तो बैलेंस है, और किसी समय आया देव दिव्या इसका इन्होंने हैंड रेज नहीं किया। सबको समझ आ गया किसको किसी को चार्ज में, किसी को चार्ज में कंफ्यूजन है। चार्ज में अगर कंफ्यूजन तो देखो यहाँ पर कितना चार्ज है -2 -2 और यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चों -6। हाँ देखो एक एसओ थ्री टू माइनस में -2 चार्ज है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो -6 हो गया। और हाइड्रोजन पे कितना है +1 तो कितने हाइड्रोजन हो गए +8 कितना आ गया है चार्ज जीरो। राइट हैंड साइड देखो कितना चार्ज है 2 × 3 +6 और यहाँ पर 3 × -2 कितना हुआ -6 कितना आ गया जीरो। देखो चार्ज बैलेंस्ड है। ओके सर ये हैंड डाउन कर लो बच्चों, सभी लोग हैंड डाउन कर लो, बेस रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो 3 इक्वेशन हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। और 2 बैलेंस करने के लिए आप लोगों को यस सर। चलो करते हैं बैलेंस कुछ और। MnO4- प्लस C2O4 2- चेंज इनटू Mn2+ एंड CO2। इस इक्वेशन को बैलेंस करो बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इन एसिडिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम आएगा तो बता दूंगा। चलो ट्राई करो जल्दी से, 2 मिनट आप लोग ट्राई करो। हो गया सर। ओके तो यहां पर Mn की स्टेट कितनी है +7 और यहां पर कितनी है +2। कितने चेंज आ रहा बच्चों 5 फैक्टर से। और इसमें कितना चेंज आ रहा है ये बताओ मेरे को। वेरी गुड। यहाँ पे कार्बन की +3 है और यहाँ पे कार्बन की +4 है तो 1 का चेंज हुआ, लेकिन 2 एटम है तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज। वैसे देख लो यहाँ पर 1 कार्बन की +3 है तो 2 कार्बन की 6 हो जाएगी, यहाँ पे 1 की 4 है तो 2 की 8 हो जाएगी, चेंज करोगे तो 2 का आ जाएगा। तो इसमें 2 फैक्टर का चेंज है इंक्रीज में, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन आप बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन।
तो टू एम फोर माइनस फाइव सी टू ओ फोर टू माइनस चेंज इन टू टू एम एन टू प्लस एंड फाइव सी ओ टू, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सो टेल मी कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैलेंस हैं? लेफ्ट में कितने एम एन है? दो। राइट में कितने एम एन है? दो। अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस है सॉरी। लेफ्ट में कितने कार्बन है? टेन। और राइट में? फाइव। फाइव। तो हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको फाइव हटा करके टेन कर दो। अब देखो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सारे बैलेंस हैं। अब किसका नंबर आएगा? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस वन आएगा। ठीक है नाउ ऑक्सीजन देखो बच्चों, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? आठ। यहाँ पर फाइव फोर जो 28 20, कितने टोटल हो गए? 28 ऑक्सीजन। राइट में कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 20 ऑक्सीजन। हाँ यहाँ पर 20 ऑक्सीजन है, सो 20 ऑक्सीजन है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? एट का। इधर एट एच टू ओ ऐड कर दो। अब हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं लेफ्ट में? 16 हो गया। ठीक है हो गया बैलेंस। क्या बच्चों सभी बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बाय एसिडिंग मीडियम बिल्कुल क्लियर है ना? यस सर। अब हम लोग, हाँ वेरी गुड, अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अप्लाई करेंगे बेसिक मीडियम में।